जब तुम लोगों ने कहा था सुबह उसके दरवाजे पर खड़े हो जाएं, मैं समझा था कि सिर्फ बात करने को कहा गया। तुमने कहा था कि वो मुझे छोड़ देगा, क्या ये बात तुमने ऐसे ही कही थी? ये सच है, वो ऐसे ही करेगा। मुझे अगर वो नाराज है तो नाराज रहे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर घर पे होता तो अब तक दरवाजा खोल देता। मैंने कहा था ना कि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो घर आया ही नहीं है। तो फिर कहाँ होगा मोइज़? जहाँ भी उसको तन्हाई मिलेगी वो वहीं होगा। मुझे लगा कि घंटी बजी है। हेलो अम्मी। नहीं, अभी काम नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये बात मानना आसान है? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। आपको झूठ बोलते वक्त सोचना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है अम्मी, रोए नहीं प्लीज। मौका मिलते ही मैं शाहान से बात करूंगी। पता नहीं अम्मी, अभी तो मैं शाहान से मिली भी नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी आपको। जब तक शिजा का मामला वो हल नहीं करता, वो यहाँ नहीं आएगा। रिलैक्स रहो, वो कभी न कभी। लेकिन जिन लोगों को नहीं आना चाहिए था वो तो आ चुके हैं। हे अल्लाह, हे मेरे रब, मैं इसके साथ अकेला फंस गया, मुझे प्लीज सबर दे। ट्रांसफर के सिलसिले में जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो इसमें मौजूद है। क्या मतलब? ट्रांसफर के प्रोसेस के लिए? हाँ, कल शाहान से बात करके डील हो गई है। क्या मतलब? शाहान रात को यहाँ आया था? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रहे थे कि इस रेस्टोरेंट को छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं रेस्टोरेंट से मोहब्बत करता हूं शिजा, इतनी मोहब्बत जितनी तुम सोच भी नहीं सकती हो। बहुत मेहनत की है मैंने यहां, मेरी वजह से ये जगह कायम है। अगर मैं नहीं हूं तो ये जगह भी नहीं रहेगी। सिर्फ ये चार दीवारी, टेबल्स और चेयर्स ही बाकी बचेंगी। और अगर मेरे लिए तुम नहीं होगे तो? मेरी दुनिया ही खत्म। तुम बीमार हो शिजा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो कुछ तुमने किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं ऐसी क्यों हूं, कभी सोचा? कभी भी एहसास किया है तुमने मेरा? अगर एक बार जरा सा एहसास कर लेते तो मैं ऐसी इंसान हरगिज ना होती। शाहान, मैं तुमसे इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता शिजा, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शाहान, एक मिनट रुको, ये लो। अगर तुम नहीं हो तो मेरे लिए इस जगह की कोई अहमियत नहीं, कोई मानी नहीं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही पैसे, ना ही रेस्टोरेंट। ये लो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा? तुम्हारे पैसे और तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुमसे पैसे लेके पहले जो गलती की थी दोबारा नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा करो, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो। बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा मैं। अच्छा हान,
एक बात है जो तुमसे पूछना चाहती हूँ मैं, लेकिन इसके लिए वादा करना पड़ेगा कि तुम सच बताओगे मुझे। क्या बात? अगर माही ना होती, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल ही ना हुई होती, तो क्या तब भी इस तरह का बर्ताव करते, यही रवैया रखते मुझसे? जवाब दोगे मुझे? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता शिजा। हाँ, इस बात का एहसास है, पहले से ही जानती हूँ। मेरी बात का मकसद नहीं समझे तू। मेरा मतलब है कि अगर माहीन ना होती तो फिर क्या करते तुम? मेरी बात नहीं सुनते या मुझे मौका नहीं देते, या तुम कभी भी चाहने और समझने की कोशिश नहीं करते एक बार भी शाहान? प्लीज, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे, जवाब चाहिए मुझे, टालना मत इस बार। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं शिजा, तुमसे मोहब्बत नहीं करता मैं। एक मिनट, मतलब कि तुम जा रही हो, हम तुम्हारी पेमेंट कर दें तो ट्रांसफर का काम कंप्लीट समझे? हाँ बिल्कुल। देखो मैं कहीं भूल ना जाऊं, तुम लोगों को लाजमी तौर पर 2 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी, और यह बात नहीं मालूम है शाहान को। 2 दिन में ये पैसे कहां से मिलेंगे शीजा? क्या करूं, पहले भी यही हुआ था, 5 दिन में पैसे नहीं मिले थे ना, अब दोबारा भी यही करोगे? जैसे ही अरेंज होगा हम तुम्हें दे देंगे, इस तरह तुम प्रेशराइज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और तुम लोग मुंह देखते रह जाओगे। कैसे हैं भाई आप? खुशामदीन शाहान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। वाह, लगता है तुमने समंदर खाली कर दिया। बहुत मुश्किल काम है ये मछलियाँ पकड़ना। देखो, पता है ये शहर वाले आते हैं तो पूरी रात डोरी पकड़े बैठे रहते हैं और समंदर में जाल भी डाल देते हैं, लेकिन मजाल है कुछ लेकर चले जाएं और फिर हमसे खरीद कर दूसरों को बताते हैं कि हमने पकड़ी। नहीं भाई, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, मैंने देर से तैरना सीखा, लेकिन मछली पकड़ना अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बाबा ने मछलियां पकड़ना सिखाया था मुझे। चलो बेटा, खाना शुरू करें, वरना ये खाना और चाय ठंडी हो जाएगी। तो मुझे भी बहुत लगी है, शुक्रिया भाई। अरे शुक्रिया किस बात का, वैसे तुम यहाँ मछलियां पकड़ने नहीं आते हो, बल्कि चाय के साथ साथ इस समंदर के सामने तुम अपने दिल की बातें भी करते हो। देखते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत मजे का। मैंने आप लोगों के लिए फ्राइज बनाए हैं।